नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 16 अगस्त है। जी नहीं, मैं तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के खेला होबे दिवस की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी घोषणा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने की है कि हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं 16 अगस्त 1946 की, जिस दिन जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी, जिस दिन कलकत्ता में, आज कोलकाता उस समय का कलकत्ता में, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। सुहरावर्दी बंगाल के, तब बंगाल एक था, बंगाल के प्रधानमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री नहीं होता था, प्रधानमंत्री होता। इस किस्से के बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो में बता चुका हूँ, और जिन लोगों ने नहीं देखा हो उनके लिए मैं उसका लिंक नीचे यहाँ दे दूंगा। उस दिन सुहरावर्दी ने छुट्टी की घोषणा कर दी, और उसका मकसद ये था कि इसके विरोध में दुकानें दफ्तर खोलेंगे वही लोग जो हिंदू होंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। पुलिस और जो 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 इस एक्शन में शामिल होने वाले थे मुसलमान, जो समर्थन कर रहे थे जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे का, उनको बता दिया गया था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, और जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। उसको क्यों नहीं कभी याद किया जाता? क्यों उसको ज्यादातर लेफ्ट लिबरल हिस्टोरियंस उस बात की को छोड़कर आगे निकल जाते हैं, उसकी याद नहीं दिलाते? अयोध्या में विवादित ढांचा और उनकी बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिर गई, उसकी बरसी हर साल मनाई जाती है, लेकिन 16 अगस्त 1946 को कभी याद नहीं किया जाता। कहा क्या जाता है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे? अभी आपको याद होगा, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14 अगस्त अब से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर ये सवाल उठाया गया कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। जो कौम, जो समाज अपने अतीत को, अपने इतिहास को याद नहीं रखता, वो इतिहास बन जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अपने अतीत को, अपने इतिहास को याद रखना जरूरी है। याद रखना जरूरी इसलिए कि उससे सबक लेना जरूरी है। उस समय जो गलती हुई थी, उस समय जो परिस्थितियां बनी थी, उसमें जो हुआ वो फिर ना हो, इसके लिए उसे याद रखना जरूरी। और प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करते हुए कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता, नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस बात को क्यों भूल जाना चाहिए? क्या फिर तो सारा इतिहास भूल जाना चाहिए? या जो जो किसी एक वर्ग को पसंद है वही इतिहास याद रखा जाना चाहिए? जो उनके लिए असहज हो उसे भूल जाना चाहिए? क्या इस तरह से इतिहास को याद रखा या भूला जाएगा? प्रधानमंत्री ने जो किया है वो ओवरड्यू था, ओवर डिलेड है। बहुत समय से इसकी जरूरत थी और बहुत देर से यह फैसला हुआ है। उन्होंने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है, और ये लकीर खींचने की कोशिश ये है कि जो कुछ हुआ है उसको जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो हुआ क्यों, परिस्थितियां उस समय की क्या थी, किन वजहों से ये हो सका, और आगे ऐसा न हो उसके लिए कौन से उपाय किए जाए। जो ये कह रहे हैं कि इसको भूल जाना चाहिए, आप देखिए, इत्तफाक आप कहिए या एक तरह की मानसिकता कहिए, यही बात 1946 में सुहरावर्दी ने कही थी। उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था दिल्ली कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ साथ एक नया, एक तीसरा देश बने, बंगाल नाम हो जिसका, और दोनों बंगाल उसमें शामिल हो, और उसमें कुछ असम का इलाका भी, उसके अलावा भी कुछ इलाके शामिल करने की का प्रस्ताव था। उसको कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया, और शुरू में बहुत उत्साहित थे जो है माउंटबेटन, लेकिन बाद में उन्होंने, उनको भी समझ में आ गया कि हो नहीं सकता। उस समय क्या कहा था सुहरावर्दी ने? कहा कि अगर हिंदू अपने अतीत को भूल जाएं
तो ये संभव है। और वो अतीत की जब बात कर रहे थे तो वो मुगलों के शासन या मुसलमानों का जो शासन रहा उस दौरान जो अत्याचार हुए, जो हत्याएं हुई, कत्ल हुए, बलात्कार हुए, मंदिर गिराए गए, उनकी बात नहीं कर रहे थे। जो जबरन धर्म परिवर्तन हुए उसकी बात नहीं कर रहे थे, वो बहुत नज़दीक के इतिहास की बात कर रहे थे। उनको मालूम था 1930 में किया हुआ था, ढाका में 1930 में दंगे हुए और उस दंगे में हिंदुओं के घर जलाए गए, हत्या की गई, उनकी उनके उनके घर और दुकान लूटी गई और ये सब पुलिस की निगरानी में हुआ। उसके बाद से ही जो लोग बंगाल में बंगाल की एकता की बात करते थे वो सब लोग खिलाफ हो गए। उनको लगा कि नहीं, जैसे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा वैसे बंगाल का भी होना चाहिए। मतलब सुहरावर्दी का आप देखिए किस तरह, मतलब सोच देखिए कि हिंदू उस बात को भूल जाए तो एकता हो सकती है। सवाल यह है कि वो क्यों हुआ था? क्या सुहरावर्दी उसके लिए माफी मांगने को तैयार थे? क्या उस पर अफसोस जताने के लिए तैयार थे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, देखिए उसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं, बहुत दूरगामी उसका असर होने वाला है। हमारे देश में इतिहास लेखन एक ब्लिंकर्ड विजन के साथ हुआ है। लेफ्ट लिबरल लोगों ने और कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने जिस तरह का इतिहास लेखन करवाया वो नितांत एक तरफा है। उसमें आपको कहीं समग्रता नहीं नजर आएगी, सारे पक्ष कभी नहीं नजर आएंगे। जो भी असुविधाजनक था कांग्रेस के लिए और नेहरू गांधी परिवार के लिए, उन सब चीजों को दबा दिया गया, उनको कभी सामने नहीं आने दिया गया। यहां तक कि मौलाना आजाद की किताब का एक हिस्सा भी छपने नहीं पाया। 28 साल बाद वो छपा, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा विस्तार से कि वो क्या हिस्सा था और क्यों उसे दबाया गया था। लेकिन एक और किताब आई थी, बहुत सी किताबें इस तरह की आई जिनको या तो प्रतिबंधित कर दिया गया या बाजार से हटा दिया गया। एक किताब लिखी थी जालंधर के लायलपुर कॉलेज के प्रिंसिपल गुरबचन सिंह तालिब ने, 1947 उसके आसपास की घटनाओं का जिक्र था। किताब का नाम था मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब 1947। ये किताब 1950 में छपी है। वो छापी किसने? किसी पब्लिकेशन हाउस ने नहीं छापी इस किताब को, कोई तैयार नहीं हुआ। इस किताब को छापा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, लेकिन ये किताब ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई, गायब हो गई। इसको रामस्वरूप जी ने बहुत बाद में फिर रीप्रिंट किया, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा। उस किताब के बारे में भी मतलब कई चीजें निकलती जाती हैं, मतलब एक 15-18 मिनट के वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं होता। तो इस किताब में क्या है इसके बारे में भी विस्तार से किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन ये किताब रीप्रिंट हो गई, हालांकि अभी उपलब्ध नहीं है। अगर अमेजोन पर आप जाकर इस किताब को खोजना चाहेंगे तो बताता है कि स्टॉक में नहीं है। तो इस किताब में ब्यौरेवार उन्होंने गुरबचन सिंह जी ने लिखा है कि किस तरह से अपहरण हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग 70 लाख लोगों का, और किस इलाके का, पूरे देश की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पश्चिमी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और कश्मीर के एक हिस्से से लगभग 70 लाख लोगों का पलायन हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, हत्या हुई। और इसे उन्होंने मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन बताया है। आपने कितने इतिहासकारों से ये बातें सुनी है, ये ब्यौरा सुना है? कब आपको स्कूल और कॉलेज की किताबों में ये बात बताई गई है? तो क्यों छुपाया जाता है अगर इसमें कुछ गलत नहीं है? जैसे बाकी जानकारी दी जाती है, ये भी जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? लेकिन नहीं दी जाती है क्योंकि एक तरह के विमर्श को, एक तरह के नैरेटिव को ये सूट नहीं करता है। तो जो लोग कहते हैं कि इस गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है, इन बातों को फिर से दोहराने की जरूरत क्या है, इनकी चर्चा करने की जरूरत क्या है, उनको रामधारी सिंह दिनकर की किताब पढ़नी चाहिए, संस्कृति के 4 अध्याय।
दिनकर जी सबको पता है नेहरू जी के बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत करीबी थे। बीजेपी आरएसएस से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उन्होंने संस्कृति के चार अध्याय में जो बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि जहां तक इतिहास का प्रश्न है, हमारा ख्याल है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इतिहास की घटनाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। जो बातें जैसी हैं इतिहास में, उनका वर्णन उसी तरह से होगा। ये वो चाहते थे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा था, ऐसा हुआ नहीं। समस्या यहीं से शुरू हुई कि जो घटनाएं जैसी हुई उनका वैसा वर्णन भारत के इतिहास में नहीं मिलता। जो इतिहास लेखक है वो उन्होंने एक पूरे पक्ष को, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसको दबा कर रखा, उसको लोगों के स्मृति से ही लोप हो जाए इसकी कोशिश की। अब क्या इस सच्चाई को दबाया जा सकता है, इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि मुगलों मुस्लिम शासकों के राज में हजारों मंदिर तोड़े गए, लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया। और दिनकर जी ने ही लिखा है कि जहां जहां इस्लाम गया वहां गैर इस्लामी जो लोग थे, खासतौर से भारत के संदर्भ में भी बात करें, तो उनके सामने तीन विकल्प रखे गए, कुरान उठाओ, इस्लाम स्वीकार कर लो, या ज्यादा टैक्स दो, मतलब जजिया दो, और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। अगर ये दोनों मंजूर नहीं है तो हमारी तलवार तुम्हारी गर्दन पर चलने के लिए तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई बीजेपी आरएसएस का नेता नहीं कह रहा, ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृति के चार अध्याय में। तो हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, इसका ये कहने, जब ये बताने की बात मैं करता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उतनी बड़ी संख्या में भारत में मस्जिदों को तोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं, एक भी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन ये बात छिपाई क्यों जानी चाहिए, क्या वजह है, कोई ये बताए ना कि ये बात क्यों छिपाई जानी चाहिए। दूसरे लोगों ने खोजा, इतिहासकारों ने नहीं खोजा है। हिंदू मंदिर कैसे तोड़े गए, क्या हुआ इसके बारे में, रामस्वरूप जी का जो पब्लिकेशन हाउस था उसने इस तरह की बहुत सी किताबें छापी है, जो इतिहास दबाया छिपाया गया उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, लिखवाया और छापा है। एक किताब है उनकी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, इसमें 5 लोगों के लेख, अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुभाषी, रामस्वरूप और सीताराम गोयल, ये किताब है। ये कितने लोगों तक पहुंची, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं। तो मेरा बार बार सवाल वही है कि ऐसी चीजों को दबाया क्यों जाता है, एक ही पक्ष क्यों दिखाया जाता है। हमको 1947 से आज तक पढ़ाया जा रहा है कि हमको आजादी मिली कांग्रेस के कारण, कांग्रेस ने आजादी दिलाई, सही बात है, तो विभाजन किसने कराया, उसका जिम्मेदार कौन है? जो करोड़ों लोग विस्थापित हुए उसका जिम्मेदार कौन है? लाखों लोगों की जान गई, उनकी हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई तो बताएगा। तो ये जो 16 अगस्त है इसको आपको याद रखने की जरूरत, इसलिए नहीं याद रखना है कि किसी से बदला लेना है, इसलिए नहीं याद रखना है कि इससे वैमनस्य बढ़ाना है, इसलिए याद रखना है कि आपके साथ क्या हुआ और आगे नहीं हो उसके लिए आप क्या करें। तो ममता बनर्जी ने जब 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का फैसला किया, तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था 16 अगस्त को क्या, उनको अच्छी तरह से पता है 16 अगस्त को क्या हुआ था, और वो तो पश्चिम बंगाल की ही मुख्यमंत्री है, उसी आज के कोलकाता और उस समय के कलकत्ता में ये सब कुछ हुआ था। तो वो दरअसल याद दिला रही थी किसको, मुसलमानों को या हिंदुओं को? जाहिर है हिंदुओं को तो नहीं याद दिलाना चाहती होंगी, क्योंकि उनके साथ तो अच्छा नहीं हुआ, तो क्या वो मुसलमानों को याद दिलाना चाहती कि 16 अगस्त याद रखो, डायरेक्ट एक्शन डे याद रखो? मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किस मंशा से 16 अगस्त का दिन रखा खेला होबे दिवस के लिए, उनके पास बहुत सी और तारीखें हो सकती थी, लेकिन 16 अगस्त ही क्यों चुना उन्होंने, कोई संतोषजनक जवाब
उनकी पार्टी की ओर से उनकी ओर से नहीं आया, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने 16 अगस्त की याद दिलाई है। तो 16 अगस्त आपको हमको सबको जरूर याद रखना चाहिए। और याद रखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसके बड़े दूरगामी असर होने वाले हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।